तो इसको हम ब्राह्मी सौंदर्य शास्त्र बोलते हैं। तो ये सौंदर्य शास्त्र का विकास होना चाहिए, हमारे जो साहित्यिक है, विचारक है, इन्होंने इसके ऊपर सोचना चाहिए। दूसरा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे रखा गया है ओबीसी साहित्य की वैचारिक क्या होनी चाहिए, बराबर की कोई भी अगर सार्वजनिक कृति होती है तो उसको वैचारिक मतलब उसको तत्वज्ञान का आधार होना चाहिए, और बड़े पैमाने में जब ये कृति हो जाती है तब तो वो जरूरत महसूस होती है कि हमारा तत्वज्ञान क्या है। हमने जैसे ही महाराष्ट्र में ओबीसी साहित्य का गठन किया तभी से हमने कहा कि ओबीसी साहित्य का तत्व ज्ञान या वैचारिकी फुलेवाद ही होगा, फुलेइज्म ही होगा, क्योंकि तात्या साहब महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने उनका पूरा जो साहित्य है वो अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम उसमें किसान के नाम से ओबीसी का ही साहित्य लिखा है, और तत्व ज्ञान के तौर पर देखो जैसे मार्क्स ने अपना मार्क्सवाद सिद्ध करने के लिए उसने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की रचना की, ऐतिहासिक भौतिकवाद की रचना की, बिल्कुल सेम टू सेम तात्या साहब महात्मा फुले की गुलामगिरी आप पढ़ो, उन्होंने जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया है पूरा अवतार कल्पना का, तो ये जो है ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है जो तात्या साहब महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा। तो ये फुलेइज्म हमारा ओबीसी साहित्य का आधार होना चाहिए, वो हमारा तत्वज्ञान होना चाहिए। और दूसरी बात जो है यहाँ पे जितने मुद्दे रखे गए उसके बारे में मैं बोलता हूँ, ज्यादा मेरा जो कहना है वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, कभी आके बताऊंगा। अभी हमारे एक साहित्यिक ने कहा कि जाति एक आइडेंटिटी है, चलेगी शायद जाति हमारी आइडेंटिटी है और एक दूसरे जाति पर वर्चस्व अगर नहीं होगा तो जाति आइडेंटिटी नहीं तो नहीं चलता है, लेकिन वो हमें मालूम नहीं कि वो ओबीसी साहित्यिक है या कौन है, कहकर तो चले गए। तो जाति व्यवस्था नष्ट करने का मतलब है जाति आइडेंटिटी खत्म करना है, तो कभी भी जात अस्तित्व में रहकर एक जाति का मतलब ही यह है कि एक जात दूसरे जात का द्वेष करती है, तो जब अगर जाति रहेगी जात की आइडेंटिटी रहेगी तो जाति का द्वेष भी रहेगा, एक दूसरे से द्वेष भी रहेगा, नफरत भी रहेगी, तो हम ये नहीं चाहते। देखो बुद्ध के काल में वर्ण व्यवस्था जब नष्ट हो गई तो उस काल में भी कारपेंटर थे, सुतार थे, उसको सुतार ही कहा जाता था, उस काल में भी लोहार थे, लेकिन बुद्ध के काल में देखो एक कथा उसमें लिखी है कि बुद्ध के काल में जब कोई कारपेंटर या सुतार आदमी राजा के दरबार में आता था तो राजा समेत सब दरबारी लोग उठकर उसको नमस्कार करते थे, उसको वंदन करते थे, तब सुतार नाम से कोई जात नहीं थी, सुतार नाम का व्यवसाय था, काम था। जब सुतार काम करने वाला, लोहार काम करने वाला आदमी जब जाति के आइडेंटिटी में आ गया तो वो हीनता की तरफ चला गया, और बुद्ध के काल में ये सब जो व्यवसाय करने वाले ओबीसी थे आज के हिसाब से ये श्रेणी में और श्रेष्ठि में संगठित थे, उनका एक भूक और श्रेणी करके एक संगठन था, कोई उसको कारपेंटर वगैरह कह के अलग नहीं निकलता था, उसका श्रेणी था, उसका भूक था, जो उत्पादन करने वाले थे वो उत्पादन करते थे श्रेणी वाले, और भूक नाम का जो संगठन था वो व्यापारियों का, वो रोम तक यूरोप तक सब माल लेके जाते थे। तो ये अलग अलग पहचान हम जो ढूंढते हैं तो हमारा जो माहौल है समता की तरफ जा रहा है, तो हम नहीं चाहते कि जाति की आइडेंटिटी में आज भी हम अटके रहे, उससे हम निकलना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि ओबीसी 50
52% होने के बावजूद भी सुनो भैया भाई एक आखिरी एक दो मुद्दे रखता हूँ और बंद करता हूँ 52% होने के बावजूद भी उनके बारे में कहा जाता है कि ये आंदोलन नहीं करते सामने नहीं आते तो देखो जो एससी का स्वभाव है जो दलित का स्वभाव है ये अन्याय होते ही तुरंत रास्ते पे आ जाते हैं वो आप उस स्केल से आप ओबीसी को मापना नहीं चाहिए वही स्केल से नहीं मापना चाहिए मुस्लिम का स्वभाव ओबीसी के ऊपर मत डालो ओबीसी का स्वभाव एससी पे मत डालो और एससी का जो स्वभाव है वो आदिवासी पे मत डालो ओबीसी की ताकत अलग है और वो साहित्य में भी दिखती है हमारे खानदेश में खानदेश मतलब कान भाई का देश कान नाम की एक गणरानी थी हमारी खानदेश में और कान भाई का देश मतलब खानदेश ऐसा उसका विश्लेषण है और आज भी खानदेश में कानबाई जो देवी है उसका उत्सव मनाया जाता है 10-10 दिन तक और ये उत्सव का एक बहुत बड़ा एक गुण ये है ये स्त्री पुरुष समतावादी त्यौहार है जब कानबाई का उत्सव होता है तो रात में जो आप क्या बोलते चाका पीसते ना चाका चक्की हाँ जोता वगैरह वगैरह क्या बोलते हैं मालूम तो वो पिसने का काम जोता चलाने का काम रात भर पुरुष चलाते हैं पुरुष करते हैं कोई औरत उसको हाथ नहीं लगाती तो स्त्री पुरुष समतावादी त्यौहार है बलि राजा को जो त्यौहार है श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष आप क्या बोलते हैं सर यहाँ इसके मालूम नहीं मुझे श्राद्ध पक्ष जो है पितृपक्ष जो है तात्या साहब महात्मा फुले जी ने बहुत खूब लिखा है गुलामगिरी में उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन महाराष्ट्र में ये दो त्यौहार ओबीसी के ऐसे हैं कि जो पूरे के पूरे समतावादी है और एंटी ब्राह्मण है उन्हीं को साहित्य बनाकर बलिराजा को नायक बनाकर तात्या साहब महात्मा फुले ने साहित्य लिखा है देखिए तो हमारे ओबीसी साहित्य के महापुरुष महिषासुर बलिराजा और हमारी जो कुलमाता जो गणमाताएं है कानबाई जैसी कि जिन्होंने हमें श्री पुरुष समता सिखाई है तो ऐसे हमारी जो देवी देवताएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप में पत्थर के रूप में नहीं है वो प्रत्यक्ष रूप में ऐतिहासिक है इतिहास है वो अभी किसी वक्त हमारे किसी वक्ता ने कहा कि फर्स्ट हैंड नॉलेज चाहिए और उनका कहना था कि हमारे पास सब सेकंड हैंड नॉलेज है उसी के बारे में भी थोड़ा बताता हूं मैं सेकंड हैंड नॉलेज का मतलब ये है कि जो ब्राह्मणों ने लिखा है उनसे हम कुछ लेते हैं और विश्लेषण करते हैं तो वो सेकंड हैंड हो गया तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने फर्स्ट हैंड नॉलेज लेकर ही अपनी किताबें लिखी है उन्होंने ओबीसी का साहित्य जो लिखा है तो ओबीसी लोग कौन कौन सी रूढ़ी परंपराएं लेकर जगते हैं सभी रूढ़ी परंपराओं का उन्होंने स्टडी किया बलिराजा का मिथक आप कहते हैं भाई मिथक वो मिथक नहीं है 5000 साल से अगर हमारी माताएं बहनें अगर बलिराजा की याद करते हैं आज भी तो वो कैसे मिथक हो गया और आज भी देखो किसान को बलि राजा का नाम देते हैं खेत करंजा राजा बलिराजा ये किसान है ये बलिराजा है तो अगर बलिराजा मिथक नहीं है वो इतिहास है और तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले ने सिद्ध भी कर दिया है तो ये नए नायक हमें खड़े करने होंगे और हमारे ओबीसी साहित्यिक जो आज लिख रहे हैं उनके सामने हम ये नायक और नायिका बतानी चाहिए ताकि वो ओबीसी का साहित्य ठीक तरह से जाति व्यवस्था के खिलाफ वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लिख सके तो अभी समय खत्म हो गया है लाइट होने से मुझे अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से तो